रोक सके तो रोक के दिखा। हमारे इलाके को हलवा समझा है जो कोई भी आरा गहरा आके खा जाएगा, जिगर का टुकड़ा है। जनता चाहे तो कोई भी झंडा लहरा सकती है, और अगर जनता की हट जाए तो उसी झंडे का डंडा घुसेड़ सकती है। इधर इज्जत से आने का और इज्जत से जाने का। आखिरी जगर क्या कर रहा है? ये सब क्या है सर? ये पार्टी उम्मीदवार है सर, परशुराम का साला है। भले ही आज का ऑपोजिशन लीडर है, लेकिन आने वाले कल का सीएम हो सकता है। कानून के मुताबिक उसे मारने के जुर्म में मैं उसे गिरफ्तार करने वाला था, लेकिन परशुराम ने मना कर दिया। मुझे लगता है उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। वो उसे छोड़ेंगे तो नहीं, ये इलेक्शन का टाइम है, शायद इसीलिए वो चुप बैठा है। आपके भाई को खतरा हो सकता है सर। तो क्या करें? मैं परशुराम से बात करता हूं। क्या कहा? वो सॉरी बोलेगा। ब्रेकिंग न्यूज, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑपोजिशन पार्टी के उम्मीदवार को पीटा जा रहा है। ये न्यूज वालों ने जो मेरे साले की डबल बेइज्जती की है, वो वापस आएगी क्या? नहीं ना, उसकी पूरी फैमिली को केरोसिन छिड़क कर जला डालेगा मैं। नो सर, मेरी बात सुनिए, वो इलेक्शन ऑफिसर है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसे इस बार मेरी खातिर माफ कर दीजिए सर, प्लीज। जा, जा और उसको घसीट के ला। थैंक यू सर, लाता हूं। उसकी सॉरी पर मैं तो माफ कर दूंगा, तुम लोग साफ कर देना। ए, एक अदरक वाली चाय ला। साहब आ गए वो लोग। ऐसे सॉरी बोलने के लिए आपके पास लाया हूं। राम, सॉरी बोलो। क्या? सॉरी बोल देना। सॉरी बोल दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है। भुवन कुमार, तेरे भाई के सॉरी बोलने में मजा नहीं आया। आवाज तो आई ना, चल्ला के बोलो क्या? सर जी, इसे ढंग से बात करना नहीं आता, ये आपसे लिखकर माफी मांगेगा। लिख के माफी मांगेगा चलेगा? ए राम, लिखना यार। ए, लिखना। मुझे हिंदी नहीं आती। इंग्लिश में चलेगी। तुझे आती है? आती है। मुझे नहीं आती। सर सर सर, इसे जाने दीजिए, मैं लिखता हूं ना। लेटर का मैटर मेरे मन माफिक होना चाहिए। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, मेरे पैरों पे नाक रगड़नी पड़ेगी। राम, ये ज्यादा लाड़ में आ रहा है, इसको बोलो इस माफीनामे की बत्ती बना और घुसा ले अपने मुंह में। चलो, आपने बोला सॉरी बोल तो बोल दिया, उससे ज्यादा इसके